अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट लाइफ। आज मैं आपके साथ SOS 101 के असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन शेयर करूंगी। सेमेस्टर स्प्रिंग 2020 की आपकी असाइनमेंट है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, जिसका कोड है SOC 101। असाइनमेंट नंबर 1 है आपकी, ड्यू डेट इसकी है 8/6/2020 और असाइनमेंट के जो मार्क्स है वो 20 है। उसके बाद इसका टॉपिक है सोशल इंटरेक्शन, यानी आपका लोगों के साथ मेलजोल क्या है या आपकी इंटरेक्शन कितनी है सोशली। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्या है असाइनमेंट का, कि आप इसमें सीखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल्स एंड स्टेटसेस। उसके बाद क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रोल्स और स्टेटसेस इन द गिवन सिनेरियोस फ्रॉम द प्रोवाइडेड ऑप्शंस एंड गिव जस्टिफिकेशन इन योर ओन वर्ड्स। कि आपके साथ किसी एक पर्सन का सिनेरियो शेयर किया गया है, उसकी वर्किंग हिस्ट्री है या उसकी लाइफ है, आपने देखना है कि वो किस स्टेटस और किस रोल को वेरी कर रहा है, किस स्टेटस या किस रोल में वो वेरी कर रहा है, और उसकी आपने जस्टिफिकेशन देनी है अपने अल्फाज में, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ शेयर किया गया, स्टूडेंट कैन आइडेंटिफाई सिनेरियो फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस, कि आपके पास जो ऑप्शंस हैं आप इसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा सिनेरियो है। सबसे पहले क्या है, अचीव्ड स्टेटस, उसके बाद एस्क्राइब्ड स्टेटस, उसके बाद मास्टर स्टेटस, उसके बाद रोल सेट, रोल कंफ्लिक्ट, रोल स्ट्रेन और रोल एग्जिट। उसके बाद मार्किंग स्कीम आपकी यहाँ पे दी हुई है, 2 मार्क फॉर आइडेंटिफिकेशन है, और जितनी आइडेंटिफिकेशन होगी उतने, मतलब 2 × 4 आपके 8 मार्क्स आइडेंटिफिकेशन के हो जाएंगे, और 12 मार्क्स आपके 3 जस्टिफिकेशन आपको देनी है, 4 ईच जस्टिफिकेशन के आपके मार्क्स है तो वो 12 हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक फेवर ये दी गई है कि आप ड्यू डेट के बाद एक्स्ट्रा 24 आवर्स आपको दिए जाएंगे कि आप उसमें अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। अगर आपको कोई डिफिकल्टी लास्ट डेट पे पेश आ गया या कुछ इस तरह आपके साथ सीन हो गया इमरजेंसी केस में, तो आप करवा सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपके साथ शेयर की गई है, डेडलाइन है कि आपने ड्यू डेट के अंदर ही असाइनमेंट करवा दें सबमिट, और असाइनमेंट आपकी जो ईमेल के थ्रू है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। उसके बाद फॉर्मेटिंग गाइडलाइन आपके साथ दी गई है कि आपने फॉन्ट साइज 12 यू, और उसके अलावा एमएस वर्ड में आपने इसको रेडी करना है, ब्लैक एंड ब्लू फॉन्ट कलर्स अलाउ हैं, और इसमें वही आपका बाकी जो सॉल्यूशन गाइडलाइन है कि आप कॉपी पेस्ट मटेरियल है वो आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा, और जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है कि आपका जो क्वेश्चन है उसको आप अच्छी तरह से रीड करें और आपका आंसर आपके क्वेश्चन को अच्छी तरह से कवर कर रहा हो और आप क्वेश्चन को रेडी करें। उसके बाद रूल फॉर मार्किंग है कि अगर ड्यू डेट के बाद आपने सबमिट करवाई असाइनमेंट तो वो 0 होगी, अगर कॉपी फाइल है या करप्ट है आपकी एमएस वर्ड में नहीं है तो वो भी आपकी 0 मार्क की जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन था, आप इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले सिनेरियो में उसने क्या दिया हुआ कि मिस्टर दिल जो है वो एक वेल नॉन कॉर्डिक सर्जन है और वो अपनी सर्जरी की वजह से पूरे मुल्क में माने जाते हैं या मशहूर है, और उन्होंने ये जो मुकाम है बहुत ज्यादा एक लॉन्ग लाइफ स्ट्रगल के बाद और ट्रेनिंग के बाद अचीव किया, और ये उनकी सोशल आइडेंटिफिकेशन है। आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये किस कैटेगरी की आइडेंटिफिकेशन है और आपने इसको जस्टिफाई करना है। तो ये आइडेंटिफिकेशन उनकी बनती है अचीव स्टेटस। अचीव कैसे, कि उन्होंने कुछ हासिल किया, ठीक है, वो स्ट्रगलर थे, वो अचीवर थे, उन्होंने कुछ हासिल किया, तो ये अचीव स्टेटस उनका बनेगा। और जस्टिफाई भी आपने इसी तरह इसको करना है कि इस सिनेरियो में उनकी क्वालिटीज बताई गई है, बताया गया कि उन्होंने किस तरह अपने काम को अचीव किया, अपने स्टेटस को कैसे अचीव किया, उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की फिर जाके वो एक सोशल मुकाम अपना बना सके और एक सोशल क्लास में अपनी एक वैल्यू बना सके, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है, जो डॉक्टर अदील है वो एक डॉक्टर होने के साथ साथ सुपरवाइजर भी हैं, मेडिकल मैनेजमेंट भी रन कर रहे हैं, उसके अलावा वो डायग्नोसिस के शोबे में भी काम कर रहे हैं, और वो यंग जो दूसरे कार्डियोलॉजिस्ट हैं या कॉर्डिक्स बन रहे हैं स्टूडेंट, उनको वो लेक्चर्स या ट्रेनर्स जो हैं उनको भी वो लेक्चर्स देते हैं। तो यहाँ पे भी आपने उनका रोल आइडेंटिफाई करना है और उसको जस्टिफाई करना है। तो ये रोल सेट है, आइडेंटिफिकेशन उनकी क्या बनेगी, रोल सेट की बनेगी, क्योंकि उन्होंने एक रोल मॉडल प्ले किया, वो एक रोल मॉडल के तौर पर काम करें, एक किरदार अदा करें। तो इस सिनेरियो में क्या है कि वो मल्टीपल रोल कर रहे हैं, ठीक है, वो बहुत सारे रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे वो एक सुपरवाइजर भी हैं, वो लेक्चरर भी हैं, ठीक है, ट्रेनर भी हैं, तो एक ही टाइम पे वो मल्टीपल रोल्स प्ले कर रहे हैं, तो ये आपका क्या बनेगा, रोल सेट। उसके बाद थर्ड क्या है कि जो रिसेंट रिसर्चेस हैं वो ये चीज दिखा रही हैं कि जो कार्डिक डिजीजेस हैं ये बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं आजकल में, यहाँ तक कि यंग पीपल में भी बहुत ज्यादा ये हो रही हैं। तो इसकी सूरत में मिस्टर दिल को जो है ओपीडी में बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ रहा है, वो डायग्नोसिस भी कर रहे हैं, ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं पेशेंट को, और उसके साथ साथ वो अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी परफॉर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो काम का बर्डन है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज हो गई हैं और उनको मल्टीपल टास्क प्ले करना पड़े हैं। तो यहाँ पे भी आपको उनका रोल और स्टेटस आइडेंटिफाई करना है और जस्टिफिकेशन करनी है। तो ये क्या है, रोल स्ट्रेन आइडेंटिफिकेशन में होगा, और जस्टिफाई कैसे आप इसको करेंगे कि जो मिस्टर अदील है वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे हैं और सब टास्क को वो कम्प्लीटली अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि एक दूसरे से बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, ठीक है, कहीं पे वो डायग्नोस कर रहे हैं, कहीं पे वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कहीं पे वो अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर रहे हैं, कोई उनकी घर की होगी या कोई और उनकी कोई बिजनेस या उन्होंने स्टार्ट किया हो या कुछ इस तरह के कोई इश्यूज, तो वो उनको पूरा कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मल्टीपल रोल
प्ले कर रहे हैं अपने सिंगर रोल से कम्पीट करने के लिए। यानी बेसिकली तो वो एक डॉक्टर है ना, यानी उसके साथ सिर्फ वो एक सर्जन है, लेकिन उसके साथ वो मल्टीपल रोल अपने एक रोल को कम्पीट करने के लिए और भी बहुत सारे रोल प्ले कर रहे हैं। उसके बाद देखिये लास्ट नेक्स्ट सिनेरियो आपका क्या है कि नेक्स्ट मंथ में डॉक्टर अदील की बेटी की शादी है, तो उसमें वेडिंग पार्टिसिपेशन के लिए डॉक्टर अदील को अपना टाइम एडजस्ट करना है। जाहिर है उनको शॉपिंग के लिए भी जाना है, अपना ओपीडी भी उनको मेंटेन करना है, और उनको अपनी जो इमरजेंसी प्लान हैं सर्जरीज के या जो फैमिली प्लान है उनको भी साथ साथ लेके चलना है। उनकी जो ड्यूटीज हैं, उनकी जो ऑब्लिगेशंस हैं, वो बोथ साइड्स पे जरूरी हैं। मतलब उनको हर टास्क को पूरा करना है अपनी कुछ ना, अगर वो एक टास्क को पूरा करें तो उनको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपने दूसरे टास्क को पूरा करने के लिए या उसको छोड़ने के लिए। आपको यहाँ पे उनका रोल आइडेंटिफाई करना है, जस्टिफिकेशन करनी है। यहाँ पे रोल क्या आएगा, कॉन्फ्लिक्ट आएगा, यानी इसको क्या कहते हैं, जिसमें तजाद हो, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट रोल हो गया। उसके बाद इस सिनेरियो में क्या है कि उनको टू टाइप्स के जो टास्क हैं वो परफॉर्म करने हैं, जो उनके लिए बहुत जरूरी भी है और उनको उनको कंप्लीट भी करना है, लेकिन इसमें क्या है उनकी जो इनकॉम्पैटिबिलिटी है रोल्स की वो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, यानी वो मुतजाद हो गई है, और वो मतलब दो चीजों के बीच में टू थिंग्स को उनको सेम टाइम में लेके चलना है। तो वो क्या करेंगे, सम टाइम वो अगर ज्यादा जरूरी जो चीज है उसको देखेंगे कि मुझे ओपीडी को अटेंड करना है, मुझे किसी पेशेंट की सर्जरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या मुझे शॉपिंग पे जाना है, तो वो क्या करेंगे अपने टाइम को मैनेज करेंगे, या तो वो शॉपिंग का टाइम उस टाइम सर्जरी के टाइम के बाद में या पहले में रख लेंगे, या फिर उसको अपनी सर्जरी को मैनेज करेंगे कि, या फिर दोनों में से एक काम को मैनेज करेंगे जो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली ये उनका जस्टिफिकेशन था इस रोल का। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। बेसिकली आपने इसमें उनके रोल देखने हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल हैं जिसको आपने उनकी अचीवमेंट के अकॉर्डिंग जस्टिफाई भी करना है और आइडेंटिफाई भी करना है। तो उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी जीडीबी या असाइनमेंट का क्वेश्चन हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट का फायदा हो सके। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।